for the sake of you, my king, I'm giving you my dreams, I'm laying down my rights, I'm giving up my pride for the promise of new life. And I surrender all to you, all to you. And I surrender all to you, all to you. परमेश्वर को आपके मुंह की जरूरत है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष नहीं ला सकता जबकि मुंह उसके विरुद्ध में बातें करता है। कैसे प्रभु आशीष देगा? आपको इस जीवन के सोते के द्वारा आशीष पाना है। परमेश्वर ने मुंह को जीवन के सोते के रूप में बनाया है। बहुत से लोगों के लिए मुंह परमेश्वर के साथ सहमत नहीं होता, इसलिए परमेश्वर नहीं कर सकता। प्रभु ने आशीष देना चाहता है लेकिन वो नहीं कर सकता क्योंकि मुंह उसके विरुद्ध में होता है। वैसे प्रभु आपके मुंह को चाहता है। जब आप उद्धार पाते, कैसे उद्धार पाते? आप विश्वास करते और मुंह से प्रभु यीशु का अंगीकार करते। प्रभु को आपका मुंह चाहिए। आपके मुंह के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह से शैतान को भी आपका मुंह चाहिए। जब शैतान आपको कुचलना चाहता है, वो अपनी इच्छा से इसे नहीं कर सकता कि सीधा आपके घर में आ जाए और आपको कुचल दे। शैतान सर्वशक्तिमान नहीं, वो सर्वशक्तिमान नहीं है, नहीं वो परमेश्वर नहीं है। वो इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकता। उसे आपकी सहमति चाहिए। उसे आने के लिए जरूरी है कि वो आपको प्रभावित करे, आप में कुछ विचार डाले और फिर आप उन विचारों को बोलते जाए। केवल तभी ये होगा, वो आप पर प्रभाव डालेगा। इसलिए शैतान को आपकी सहमति चाहिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो चाहता है वैसे कर सकता। परंतु बात यह है, उसने आपको अपने स्वरूप समानता में बनाया, इसलिए आदर करता है। वो आपको छोड़कर कुछ नहीं करेगा। उसने आपको अपने जैसे बनाया है, इसलिए वो आपके सहयोग की राह देखता है।
वो भीतर आने से पहले दरवाजा खटखटाता है। हालांकि वो सर्वशक्तिमान है, वो जैसे चाहे कर सकता, वो आपका आदर करता है क्योंकि उसने आपको बनाया और सबसे ज्यादा वो जानता है कि आप कौन हैं और इसलिए वो आपका आदर करता है। बिना आपकी सहमति के वो कुछ नहीं करेगा। पर शैतान वो बेकार में है, वो कब्जा करना चाहता, वो आपको कुचलना चाहता है, परंतु आपके मुंह की सहमति के बिना नहीं कर सकता है और इसलिए ये कहता है तुम्हारे मुंह के शब्द थोड़े हो। आप अपना मुंह शैतान को देने के कारण परेशानी में नहीं पड़ना चाहते हैं। जैसे याकूब 3 कहता है, जीभ तो आग की जैसी है, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला देती है। इसलिए किसी व्यक्ति को आप देखते हैं जो हमेशा करते हैं बक 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 तो आप पाते हैं कि आपके सामने एक मूर्ख है सच में, और वो अपने आप को मूर्ख बना रहे हैं क्योंकि शब्द बहुत है और पाप से इस तरह से बच नहीं सकते। इतने ज्यादा शब्दों के द्वारा बचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जब आप ऐसे लोगों को पाते हैं जो बहुत अधिक बातें करते हैं, आप देखते हैं वो दो बातों के बारे में बातें करते हैं। पहली अपनी समस्या के बारे में कहते, दूसरी दूसरों की गलतियां दिखाते। आप लोग ऐसे हैं जैसे किसके बारे में नहीं जानते। यही सत्य है। देखिए, वो अपनी समस्याओं के बारे में कहते रहते हैं और दूसरों की गलतियों को बताते रहते हैं और कुछ भी अच्छा नहीं कहते। वो इस विषय में लगातार बातें करते और वो सब उनके मुंह से बाहर निकलता। लेकिन सबसे उत्तम बात जो आप दूसरों के लिए कर सकते हैं, उसके लिए बुरा न कहे लेकिन उस व्यक्ति के लिए आप विश्वास बोलते जाएं। चाहे वो व्यक्ति बुरा हो, अच्छा नहीं हो, फिर भी उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास कहे, उस व्यक्ति पर आप आशा कहे। यदि कोई आकर कहे तो भी बुरा मत कहे। आप उनसे कहें इस तरह की बात न कहें, आइए परमेश्वर को समर्पित हो जाए, प्रभु को अनुमति दे कि इस परिस्थिति में काम करे, उस व्यक्ति को बदल दे, वो ठीक हो जाएगा। आइए कुशल से प्रार्थना करें, हैं उसकी उन्नति के लिए प्रार्थना करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो वो संगति छोड़ देंगे, वहां और कोई बात नहीं होगी। जानते हैं वो बदल जाएंगे या फिर छोड़ देंगे। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, शब्द बहुत ही सामर्थी है। एक शब्द भी मत कहें, ये कहता है, क्योंकि एक शब्द भी मायने रखता है। सब उपदेशक कहता है कुछ भी मत कहे, कुछ भी, एक शब्द भी नहीं, क्योंकि एक शब्द नुकसान पहुंचा सकता है और एक शब्द निर्माण करता है। आप जो शब्द कहते हैं वो निर्माण करने वाला शब्द हो, आमेन। आइए अध्याय 12 देखते हैं, नीति वचन अध्याय 12। मैं केवल इन वचनों को दे रहा हूं कि आपको बताऊं कि आपके शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं कह रहा, आपके शब्द के बारे में कह रहा हूं जो आपके मुंह से आते हैं। अध्याय 12 वचन 6, दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं शब्द छुटकारा ला सकते? हेलो, छुटकारा शब्दों में है। चलिए उन सभी को बताऊं जो छुटकारे की सभा में जाते हैं और फिर भी कुछ नहीं पाते हैं। छुटकारा कहां है? छुटकारा आपके मुंह में है। यह सच में कहता है सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। क्या हम मुंह के द्वारा छुड़ाए जा सकते हैं? क्या मुंह छुटकारा ला सकता है? क्या मुंह पाप से छुटकारा ला सकता है? क्या मुंह बुरी आदतों से छुटकारा ला सकता है? क्या मुंह बुरे कामों से छुटकारा ला सकता है? क्या मुंह हमें जो आवश्यक है वो छुटकारा ला सकता है? मैं आपको बताऊं दोस्तों, मुंह तो छुटकारे का स्रोत है, परमेश्वर ने इसे ऐसे ठहराया। लेकिन लोग हर जगह जाकर छुटकारा ढूंढते हैं, छुटकारा उनके मुंह में है। यदि वो अपने शब्दों की सामर्थ को समझे तो वह ऐसे स्वतंत्र हो सकते हैं। अध्याय 12 वचन 14, सज्जन अपने वचन के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है। चलिए एक और अनुवाद देखें, मोफेट्स, बहुत से लोगों का पसंदीदा अनुवाद है। ये इस तरह कहता है, एक मनुष्य अपने सभी शब्दों के परिणाम को पाता है, शब्दों के परिणाम पाता है। एक शब्द भी व्यर्थ नहीं होता, जो भी आप कहते हैं आप उसे काटेंगे, क्योंकि शब्द बीज के जैसे है, वो आपके पास वापस आता। ये व्यर्थ नहीं जाता, ये कुछ उत्पन्न करता, यही बात है। वचन उत्पन्न करते हैं, ये वापस आता है और वापस आता है और काटता है जो कुछ आप कहते हैं। अध्याय 12 वचन 18, ऐसे लोग हैं जिनका विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। ऐसे लोगों को आपने देखा है, लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे तलवार के जैसे चुभाते हैं, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। तंदुरुस्ती मुंह से आती है, विश्वास करेंगे आप? हमने देखा छुटकारा मुंह से आता है।
हमने देखा कैसे आप अपने मुंह के द्वारा फंस जाते हैं, मुंह के द्वारा पकड़े जाते हैं। हमने देखा कैसे मुंह जीवन का सोता हो सकता है। और यहां यह कहता है, शब्दों से चंगाई आती है। बुद्धिमान की जीभ में तंदुरुस्ती है। चंगाई बहुत दूर नहीं है, आपके मुंह में है। परमेश्वर बहुत अच्छा है, उसने चंगाई आपके मुंह में रखा है। दूसरा अनुवाद कहता है, कुछ लोग जख्म देते हैं जैसे वो तलवार के समान बोलते हैं, परंतु बुद्धिमान की जीभ चंगाई है। यह ऐसा नहीं कहता कि बुद्धिमान की जीभ चंगाई के समान है, यह कहता है बुद्धिमान की जीभ चंगा करती है। जीभ चंगाई का एजेंट है। क्या आप ये विश्वास करेंगे? जीभ, इसका मतलब वचन या शब्द, गोली या इंजेक्शन के समान हो सकते हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर गोलियां देते हैं सुबह, दोपहर और शाम, लोग सचेत होते हैं, उसे सामने रखते हैं, उनके पास एक छोटी चीज है, ये खरीदते हैं सुबह दोपहर शाम, खाने के पहले, खाने के दौरान, खाने के बाद, जानते हैं, तुरंत दोपहर के भोजन के बाद लेते हैं, जानते हैं, भोजन के साथ रखते हैं। डॉक्टर ने दिए निर्देश का पालन करते हैं बहुत सावधानी से, अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ निर्देश दिए जो आपके लिए भले हैं, आपको उनका अनुकरण करना है। परंतु परमेश्वर के वचन का अनुकरण करना अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर का वचन चंगाई का मूल स्रोत है। दोस्तों, आपको प्रभु का वचन गोली के समान लेना जरूरी है, एक इंजेक्शन के समान। यह काम करता है जैसे गोली और इंजेक्शन, यह आपके अंदर में जाता है, औषधि और गोलियों जैसे काम करता है, यह आपके खून में जाता है और खून में पहुंचाता है, आपकी देह में काम करना शुरू करता है, बदलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे तंदुरुस्ती लाता है। उसी तरह से वचन ये सामर्थ्य है, ये छेदता है आपकी आत्मा, प्राण और आपकी देह को भी, ये कार्य करना शुरू कर देता है। देखिए, संसार के लोग हमारे शब्दों की सामर्थ को समझते हैं। मुझे याद है बहुत साल पहले, शायद 20 साल पहले सोचता हूं, मुझे याद है अचानक उन्होंने ऐसा कहना शुरू किया, कैसे अपने पौधों से बात कर सकते और फूलों से, क्या यह अजीब नहीं? मैंने टीवी प्रोग्राम देखा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, एक बहन वहां पर थी, सुंदर बगीचे में फूलों से बातें कर रही थी, वो तुम कितने सुंदर हो, कितने सुंदर ये दिखते हैं, वो कितने सुंदर हैं, हर एक पौधे से बातें करती है, बता रही थी कि कैसे प्रतिदिन हर एक पौधे से बात करने में कितना समय लगता है, उनसे बातें करती जाती है। और उनके विषय में बड़ा प्रोग्राम राष्ट्रीय दूरदर्शन पर दिखाया गया, मैंने दूसरे देश में से देखा, उन्होंने इसके विषय में दिखाया कि कैसे इस महिला ने वास्तव में विश्वास किया, ढूंढ कर निकाला कि ये पौधे बेहतर बनते हैं यदि आप उनसे बातें करते। परंतु बात यह है कि 2000 साल पहले यीशु ने पेड़ से कहा, यदि आप बाइबल को पढ़े तो इसे समझ सकते हैं, 2000 साल पहले वो पेड़ से कहता है और पेड़ सूख जाता है। आप पेड़ से कह सकते हैं वो अच्छा बन सकता है, आप पेड़ से कहते हैं और वो सूख सकता है, आप पेड़ से बातें कर सकते हैं, आप पेड़ से कह सकते हैं। परंतु जब यीशु पेड़ से बातें करता है तो इसके बारे में वो कहते हैं, ओ ठीक है, वो तो अजीब सी बात है, पेड़ से बातें करता, मेरे प्रभु कौन इसे करेगा, वे इस प्रकार की बातें करते। परंतु जब वो महिला स्पष्ट करती है कि कैसे पेड़ से बातें करते हैं, हर कोई कैमरा लेकर फिल्मिंग करता है, पेड़ से बातें कीजिए, इसे देखो, वो अपने पेड़ से और फूलों से बातें करती है और ये सब कुछ, जैसे कि पेड़ महत्वपूर्ण है। मैं उस महिला से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों से बातें करती हैं? क्या पति से ऐसी बातें करती हैं? पति के विषय नहीं, पति से यदि आप उसकी परिस्थिति में बातें करें, उसकी समस्या से बातें करें, यह बहुत अद्भुत बात है कि वो सुंदर बगीचा है, जीवन बगीचे के जैसे है, आप अपने बगीचे को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। देखिए, आप बहुत कुछ सीखे, अच्छी बात है, आप बहुत ही अच्छे हो गए हैं, बहुत ही आधुनिक हो गए इन दिनों में, पेड़ों से बातें करते हैं, सुंदर फूलों से बातें करते हैं, इन बातों को इतना महत्व देते हैं। परंतु हमारा जीवन इन चीजों से भी अधिक कीमती है मेरे दोस्तों। क्या आप अपने शरीर से बातें करते हैं? क्या आप अपने दिमाग से बातें करते हैं? क्या आप अपने आप से बातें करते हैं? क्या आप अपनी परिस्थिति से बातें करते हैं? क्या आप अपने बच्चों से बातें करते हैं? अपने परिवार से बातें करते हैं? अपने कारोबार से बातें करते हैं? क्या आप हाथों के कामों से बातें करते हैं? क्यों नहीं, यही तो वो सिद्धांत है। आप सोचते हैं आपका कारोबार, आपकी दुकान, आपकी बिक्री और सब कुछ बेहतर नहीं करेंगे यदि आप उससे बातें करते हैं? हेलो, परंतु वो कहते हैं ठीक है, ये नमूना मूर्खता का है। कैसे हुआ? आप पेड़ से बात कर सकते हैं, मैं कारोबार से बात नहीं कर सकता। आप फूल से बात कर सकते हैं और मैं शरीर से बात नहीं कर सकता हूं, मेरा शरीर अधिक महत्वपूर्ण है, मानवीय शरीर, क्यों नहीं? हाँ, हेलो,
क्या आप यहाँ हैं? हम पौधों से अच्छी बातें करते हैं ताकि पौधे अच्छे हो जाएं, लेकिन जब घर में आते हैं तो घर में गलत बातें करते हैं। हमारे बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने पति से, हर कोई जो सामने आते हैं, जानते हैं? और फिर हम सोचते हैं हम बहुत आधुनिक हैं। हम सच में कहीं जा रहे हैं ज्ञान में, परंतु सच में मेरे दोस्तों, बाइबल इन सब बातों के बारे में बहुत आगे है। बाइबल आपको बताती है हजारों साल पहले कि ये कैसे होता है। ये लोग अभी इसे खोज रहे हैं, धीरे धीरे पकड़ रहे हैं और निश्चित रूप में, पर ये थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। परंतु मैं आपको बताऊं, आपको बताने के लिए बाइबल में बहुत कुछ है। मैंने एक बहन के बारे में सुना, उन्होंने अपने पड़ोसी के कुत्ते का नाम यापी डूडल रखा क्योंकि वो हमेशा भौंकता था। उसने अपने कुत्ते का नाम तो बहुत ही अच्छा नाम रखा, सुंदर नाम रखा, हमेशा उससे अच्छे से बातें करती थी, सुंदर बातें करती थी, परंतु बगल वाले कुत्ते को यापी डूडल कहती थी क्योंकि वो हमेशा भौंकता था। और जितना ज्यादा उसे वो यापी डूडल कहती, वो उतना ही भौंकता था। और जब वो कार से बाहर निकलकर घर में जाती तो कुत्ता दौड़ते हुए आता, वहां पर खड़े होता और याप 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 करता, बस चिल्लाते रहता। आखिर में पति ने उसे देखा और कहा, तुमने कुत्ते को मौका नहीं दिया, बस उसका नाम रख दिया यापी डूडल। उसके पास और कोई चुनाव नहीं, अब वो बदल नहीं सकता है, वो बस भौंकते रहता है। जानते हैं दूसरा नाम क्यों नहीं देते, ऐसा नाम जो अपने कुत्ते को दिया है, और इस तरह कुत्ता अच्छा होगा, अच्छा व्यवहार करेगा, जानते। इसलिए बहुत सी बातें शब्दों के द्वारा काम करती है, मेरा मतलब ये अजीब है लेकिन शब्दों से काम करती है। चलिए एक आखिरी वचन देखते हैं, भजन 64, और सब हमारे शब्दों के विषय है, सब लोग कहें हमारे शब्दों के विषय। देखिए परमेश्वर का वचन, हम सब कहते हैं आमेन हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का वचन सुंदर है, परंतु हमारे शब्दों के बारे में कहता है वचन 3 और 4, उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचन के तीरों को चढ़ाया है ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे। ये बताता है शब्द तीरों के समान है, वचन तीरों के समान है, इसका यही सारांश है। ये कड़वे वचनों को चलाते हैं तीरों के समान अपने शत्रुओं पर। अब जब आप धनुष चलाने के लिए चढ़ाते हैं, अपने हाथ उस तार पर रखते हैं, जितने देर तक अपने हाथ उस तार पर रखते हैं आप ठीक ठाक है, क्योंकि तीर छोड़ना या नहीं छोड़ना यह आप पर निर्भर है। अब तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपका हाथ अभी भी तार पर है। जिस पल आप उसे जाने देते हैं, तीर छोड़ते हैं, एक बार तीर चला जाता है और आप तीर को छोड़ देते हैं, अब आप तीर को देखकर नहीं कह सकते कि तीर वापस आ जाओ, नहीं 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 वापस आ जाओ, मेरा मतलब ये चलाने का नहीं था, नहीं। ये शब्दों की सामर्थ को देखिए, ये तीर के समान है, एक बार इसे चलाते हैं वो चला गया, अब उस दिशा की ओर जा रहा है जिसकी ओर निशाना साधा है, वो जाकर आघात करेगा। शब्द इसी तरह से होते हैं, एक बार आप इसे छोड़ते हैं, जितनी देर तक आपका हाथ तीर पर बना है, जितनी देर तक आप अपना हाथ अपने मुंह पर रखते हैं, सब ठीक है। इसलिए बाइबल कहती है अपने मुंह को बंद करें, मैंने इसे नहीं कहा। बाइबल ऐसा कहती है, जो अपना मुंह बंद रखता है वो बुद्धिमान है, क्योंकि वो समझता है यदि वो शब्दों को छोड़ता है तो उतना ही वो उसे वापस नहीं ले सकता। अब लोग कहते हैं वो बुरे शब्दों को आसानी से वापस ले सकते हैं क्योंकि वो वचनों की सामर्थ को नहीं जानते हैं, एक बार उसे छोड़ देते हैं तो वो वापस आने वाला नहीं है, वो अपनी दिशा नहीं बदलेगा। एक बार उसे छोड़ देते हैं, छोड़ने के पहले दिशा को निश्चित कर ले, निश्चित बातों का निशाना लगाए, और एक बार निशाना लगाए छोड़ दिया तो दिशा नहीं बदल सकते हैं, उसके दिशा को नहीं बदल सकते, आप वापस नहीं बुला सकते, पछतावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जानकर नुकसान पहुंचाएगा। कितना सामर्थ्य है, ये चला गया, शब्द उसी तरह से जब तक आप उसे दिमाग में सोचते हैं उसे नहीं छोड़ते हैं, वो तीर के समान ही होता है, चलाए जाने के लिए तैयार होता है, अभी तक उसका हाथ उस तीर पर है, नियंत्रण में है, परंतु एक बार उसे छोड़ देते हैं तो वो जाता है अपने निशाने की ओर, आगे बढ़ता है अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए। और तब क्योंकि आप ही जिसने निशाना लगाया है और आपने इसे चलाया है,
आप जिम्मेदार होते हैं, आप बदल नहीं सकते, सामर्थ्य है। आप नहीं सुनेंगे कि कोई इस तरह से कहता है, बाइबल कहती ये तीर के समान है, आपके मुंह से क्या बाहर आता है इसके बारे में सावधान रहें, क्योंकि बाइबल कहती ये तीर के जैसे आता है। बहुत से परिवार नाश हुए इन तीरों के कारण ही, जो कि मुंह से छोड़े गए थे। बहुत से विवाह नाश हुए हैं क्योंकि उन्होंने शब्दों को छोड़ा था, वो शब्द चले गए और सब कुछ बर्बाद कर दिया। बहुत से संबंध नाश किए गए क्योंकि ये तीर जैसे छोड़े गए थे। नहीं छोड़ना चाहिए था, अब इसे बेकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने कभी अपने खुद के शब्दों की सामर्थ्य के बारे में नहीं समझा है। हमने सोचा प्रभु का वचन महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे शब्द हमें फंसाते हैं, हमारे शब्द ही हमें परेशानी में डालते हैं, हमें पकड़ लेते हैं, हमारे शब्द ही जो तीर के समान काम करते हैं, बुराई और नुकसान करते हैं। कल्पना कीजिए यदि मैं यहां पर आऊं, कई बार प्रचारक के साथ ऐसा होता है, वो यहां पर आते हैं, कुछ लोगों पर बहुत ही गुस्सा करते हैं क्या आपने कभी ऐसा देखा है? और वो अपने तीर अच्छे से चला सकते हैं क्योंकि सब लोग वहां पर बैठे हैं उस जगह, और वो उन पर निशाना लगाते हैं, जो कुछ भी मुंह में आता है बोलते हैं, और कई बार ये कहते हुए समाप्त करते और फिर आंखें खोल के लोगों को देखते हैं, तीर तो छोड़ दिए गए हैं, वहां पर बैठे हैं। तब वो पछताते हैं ऐसा कहने के लिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए था परंतु कह दिया, अब वापस नहीं ले सकते। ये भयानक है, बहुत से लोग जख्मी होते हैं और दूसरों को जख्मी छोड़ देते हैं शब्दों के कारण ही, शब्द तीर के जैसे है, उन्हें छेद देते हैं। देखिए कुछ लोग बहुत दूर रहते हैं, वो आकर शब्द नहीं कह सकते हैं तो डाक से भेजते। कई बार ऐसे तीर हम प्राप्त करते हैं डाक से, डाकी आकर उन्हें छोड़ जाता है, परंतु बात यह है कि भला व्यक्ति नहीं जानता, लेकिन शैतान जानता है। जब आप हजार समस्या के साथ में सामना करते हैं, इन बातों के विषय में सोचते रहते हैं और इस पर काम करते रहते हैं और जानते हैं, और आपके पास सामना करने के लिए बहुत कुछ है, शैतान जानता है, पूरी तरह से काम में लाता है इस तरह के पत्र वहां एक पत्र आता है और आपके लिए वो पत्र है, वो कहते हैं, और आप इसे खोलते हैं और पूरे बुरे शब्द लिखे हैं आप क्या सोचते हैं कि आप कौन हैं? आप एक दिन नरक में चले जाएंगे मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, हमारे मन में हम निर्णय ले ले कि हम पीठ में छुरा भोंकने वाले नहीं होंगे, छेदने वाले, चोट पहुंचाने वाले। इस कारोबार में हम नहीं, हम चंगाई के कारोबार में हैं, हम बनाने वाले कारोबार में हैं। हमारे वचन निश्चित तौर से महत्वपूर्ण हैं, हर एक शब्द जो हम बोलते हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि या तो एक निर्माण करेंगे या नष्ट करेंगे, या बनाएंगे या फिर नाश कर देंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे। आपके शब्द महत्वपूर्ण हैं। जब आप अपने शब्दों की सामर्थ्य को जानते हैं तो शब्दों का उद्देश्यपूर्ण उपयोग करते जाएंगे, तब आप देखेंगे विश्वास काम करता है, पहाड़ भी हटा सकता है और समुद्र में उसे फेंका जा सकता है, कुछ नहीं, क्योंकि आपने अपने शब्दों की सामर्थ्य को जाना है। These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. These are the days of the servant Moses, righteousness being restored. Those are days of great triumphs, famine and darkness and sword. Still a voice in the desert. Crying, preparing the way of the Lord. Behold, He comes, riding on clouds, shining like sun. At the trumpet call, so lift your voice. It's a year of jubilee, now the Zion's Hill salvation. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming his flesh. These are the days of your servant David, rebuilding the temple of prayer. These are the days of the harvest,
The fields are as white in the world. We are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. And the trumpet calls, so lift your voice, the spirit of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation. Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet calls, so lift your voice, the year of Jubilee. Out of Zion's hill, salvation comes. There's no God like our God. There's no God like Jehovah. 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 Behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun. At the trumpet call, so lift your voice, the spirit of Jubilee. Now recite until salvation comes. Behold,